खबर झारखंड से। राज्य मंत्रिमंडल ने झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 के गठन को दी मंजूरी। राज्य मंत्रिमंडल ने झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 के गठन को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। अभी तक झारखंड में ऐसा कोई विधेयक नहीं था जिसे जमाबंदी रद्द करने या म्यूटेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से परिभाषित किया गया हो। नए बिल में तीन प्रावधान किए गए हैं। पहला, जमीन की दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा, इस पर CO निर्णय लेंगे। संतुष्ट नहीं होने पर इसके विरुद्ध DCLR के पास अपील करना होगा। आगे उपायुक्त या एडिशनल कलेक्टर के यहां भी अपील की जा सकेगी। इस बिल में अवैध जमाबंदी कायम होने या एक ही जमीन का दो जमाबंदी होने पर रद्द करने का प्रावधान किया गया है। पहले यह नहीं था, इसके लिए एडिशनल कलेक्टर को अधिकार दिया गया है। इसके विरुद्ध उपायुक्त और रिवीजन मंडल आयुक्त के पास शिकायत की जा सकेगी। इसमें किसानों के लिए खाता पुस्तिका का प्रावधान किया गया है। पुस्तिका का अंचल स्तर पर वितरण किया जाएगा। मैट्रिक व इंटरमीडिएट के टॉपरों के लिए खुशखबरी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो निभाएंगे वादा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का अपना वादा निभाएंगे। उन्होंने घोषणा की थी कि मैट्रिक व इंटरमीडिएट के टॉपरों को ऑल्टो कार देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र के टॉपर को मोटरसाइकिल देंगे। 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी को साइकिल दी जाएगी। 23 सितंबर को टॉपरों को सम्मानित किया जाएगा। क्या झारखंड में बिजली का बिल बढ़ेगा या कम होगा, ये लिया गया फैसला। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की राज्य सलाहकार समिति के वर्चुअल बैठक में मंगलवार को बिजली की दर में बढ़ोतरी नहीं करने की जोरदार मांग उठी। हालांकि आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि बिजली की दर उसकी लागत है, न कि राज्य सरकार या कंपनी की ओर से लिया जाने वाला कर जिसे न लेने का निर्णय किया जा सके। संकेत है कि बिजली की दर बढ़ेगी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दर में बढ़ोतरी बीते वर्षों की तुलना में कम हो सकती है। बैठक के दौरान सूबे में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता पर काफी सवाल भी खड़े किए गए हैं। रांची के ओर मांझी में 3 लोगों के शव मिलने से दहशत। पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप। झारखंड के 130 DSP पर आपराधिक केस। रिश्वत लेने, हथियार प्लांट कराने जैसे मामलों में है दोषी। झारखंड में 130 पुलिस उपाधीक्षक विभागीय कार्रवाई झेल रहे हैं। इन पर आपराधिक कृत्य में शामिल होने, लापरवाही बरतने व अनुशासनहीनता सहित कई मामलों की प्रारंभिक जांच में पुष्टि होने के बाद पुलिस मुख्यालय से गृह विभाग को विभागीय कार्रवाई चलाने की अनुशंसा की गई थी। इसके बाद गृह विभाग ने किसी DSP को अपना जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया, तो कोई विभागीय कार्रवाई के दौरान ट्रायल फेस कर रहा है। केंद्र ने स्कूल खोलने को लेकर जारी किया SOP। झारखंड में भी प्रस्ताव तैयार। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण पिछले 5 महीने से स्कूल बंद है। हालांकि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, लेकिन इससे बच्चे की शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पा रहा है। अब केंद्र सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने निर्देश जारी किया है। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसे लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मौसम विभाग की चेतावनी। झारखंड में 12 सितंबर तक बारिश के साथ वज्रपात। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि झारखंड में 12 सितंबर तक बारिश हो सकती है और इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। इसलिए इस दौरान घर से बाहर निकले या खेत खलिहान में काम करने वाले किसान सतर्क रहें और स्थिति में सुरक्षित जगह पर चले जाएं, ताकि जान माल के नुकसान के समय बचा जा सके। झारखंड में कोविड टेस्टिंग बढ़ा, संक्रमण दर में आई गिरावट। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या में भले ही वृद्धि हो रही हो, लेकिन राहत की बात है कि रिकवरी रेट में भी वृद्धि हो रही है और संक्रमण दर में गिरावट आई है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि मंगलवार तक राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 55,296 है। इसमें से 39,362 ठीक हो चुके हैं। रिश्वतखोरी के मामले में कार्यपालक अभियंता की 6 साल कैद की सजा बरकरार। झारखंड उच्च न्यायालय ने रिश्वत लेने के मामले में चाईवासा में भवन निर्माण के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सोनेलाल दास की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा उन्हें सुनवाई गई 6 साल कारावास और 1,00,000 जुर्माने की सजा मंगलवार को बरकरार रखी। न्यायमूर्ति AK चौधरी ने रिश्वतखोरी के मामले में
सजा याफ्ता सोनेलाल दास की अपील खारिज कर दी। 6 साल कारावास और 1,00,000 जुर्माने की सजा मंगलवार को बरकरार रखी। न्यायमूर्ति AK चौधरी ने रिश्वतखोरी के मामले में सजा याफ्ता सोनेलाल दास की अपील खारिज कर दी है और निचली अदालत में उन्हें मिली सजा को बरकरार रखा है। देश में 7,000 युवाओं की नहीं नौकरी पर कोरोना ने लगाया ग्रहण। कोरोना वायरस ने विदेश में नौकरी पर ग्रहण लगा दिया है। 6 महीने में लगभग 7,000 युवा खाड़ी देश में नई नौकरी पाने से वंचित रह गए हैं। जमशेदपुर से प्रतिमा औसतन 1200 युवा खाड़ी देश में नई बहाली के लिए जाते थे, लेकिन यह काम पूरी तरह से बंद है। शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में नक्सलियों को नहीं भाया डिग्री कॉलेज का निर्माण, खौफ से ठेकेदार ने रोका काम। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की विधानसभा क्षेत्र डुमरी के कलवार में नक्सलियों के भय से निर्माणाधीन मॉडल डिग्री कॉलेज का काम बंद है। इसे लेकर न शिक्षा मंत्री और न ही जिला प्रशासन की ओर से पहल की गई है। नक्सल प्रभावित इस पिछड़े इलाके में लंबे अरसे बाद डिग्री के कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन नक्सलियों ने लेवी की मांग को लेकर निर्माण स्तर पर लगी कई मशीनों को फूंक दिया था। गरीबों के घर अनाज पहुंचाने पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार खर्च करेगी 141.56 करोड़ रुपये। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से जारी लॉकडाउन के संकट के बीच झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए कई काम किए। उन्हें दूर दराज के राज्यों से सरकारी खर्च पर उनके घर पहुंचाया, बाहर से आने वाले कारीगरों को रोजगार देने का वादा किया। अब सरकार ने 141.56 करोड़ रुपए खर्च करके गरीबों के घर तक अनाज पहुंचाने का निर्णय लिया है। रेलवे की ओर से बड़ी खुशखबरी, रेलवे यात्रियों को अब वेटिंग टिकट होने पर भी मिलेगी सीट। भारतीय रेलवे क्लोन ट्रेन चलाने जा रही है, यानी यात्रियों को अब वेटिंग टिकट होने पर भी सीट मिल सकती है। इस ट्रेन के कारण 1 से 1.5 महीने की चल रही वेटिंग लिस्ट की समस्या खत्म हो जाएगी और यात्री कंफर्म बर्थ पर यात्रा कर पाएंगे। अगर किसी ट्रेन में ज़्यादा लोग टिकट करवाते हैं तो एक एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जाएगी ताकि वेटिंग लिस्ट की समस्या खत्म हो जाए। क्लोन ट्रेन का नंबर भी मुख्य ट्रेन वाला ही होगा और वह मुख्य ट्रेन के प्रस्थान के 1 घंटे बाद चलेगी। इस ट्रेन का रूट तो वही रहेगा, लेकिन स्टॉपेज स्पेशल ट्रेनों के मुकाबले कम होंगे। डोर स्टेप बैंकिंग, अब आपके घर तक आएगा बैंक, जानिए किसे मिलेगा इसका फायदा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा है कि बैंक अर्थव्यवस्था को उबारने में बैंकों की उत्प्रेरक की भूमिका है। उन्होंने कहा है कि इस अवस्था में आर्थिक स्थिति को उबारने में उत्प्रेरक बैंक है। बैंक अपने हर ग्राहक की नब्ज पहचानते हैं। सरकार शुरू करेगी पढ़ाना लिखाना अभियान, 2030 तक देश में 100% साक्षरता का लक्ष्य। 2030 तक कुल साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार अपनी नई योजना पढ़ाना लिखाना अभियान शुरू करने जा रही है। केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का पढ़ाना लिखाना अभियान 2030 तक कुल साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। 54वें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अभियान का मुख्य लक्ष्य 15 साल और उससे उम्र के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के 57,00,000 गैर साक्षर और गैर योग्य वयस्कों को साक्षरता प्रदान करना है। उन्होंने कहा है कि इस योजना में अधिकतर महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और दूसरे वंचित समूह शामिल हैं। PM मोदी लंच करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ई गोपाल ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई गोपाल ऐप के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ करेंगे। देश में मत्स्य पालन क्षेत्र पर केंद्रित और इसके सतत विकास की एक फ्लैगशिप योजना है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के बीच 5 साल के अवधि के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आत्मनिर्भर भारत पैकेज एक भाग के रूप में इसके क्रियान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपया का निवेश किया जाना है। इसमें लगभग 12,340 करोड़ रुपया का निवेश समुद्री आंतरिक मत्स्य पालन और अन्य मत्स्य पालन में लाभार्थियों के अनुमुख गतिविधियों के लिए प्रस्तावित है। LSC पर भाले और धारदार हथियारों से लैस चीनी सैनिकों की तस्वीर आई सामने। चीनी सैनिकों की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वे LSC पर भालों और धारदार हथियारों से लैस हैं। बतौर रिपोर्टर्स, भारत और चीन के बीच चल रहे चीनी सीमा के बीच पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीनी सैनिकों के तैनात किया गया है।
इससे पहले गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार के कुप्रबंधन से भारत कोरोना के मामले में विश्व में दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के घोर कुप्रबंधन के कारण भारत कोरोना वायरस के कुल मामलों में विश्व में दूसरे नंबर पर है। उन्होंने आगे कहा, भारत के कोविड-19 मामलों का साप्ताहिक आंकड़े संयुक्त रूप से अमेरिका और ब्राजील से अधिक है। रविवार को विश्व में कोरोना के कुल केसों में भारत की हिस्सेदारी 40% थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 42 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेंगे 68,820 करोड़। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 42 करोड़ से अधिक गरीबों को 68,820 करोड़ की वित्तीय सहायता दी है। इस योजना के तहत 20.6 करोड़ महिला खाता धारकों के जनधन खाते में 3 किस्तों में 30,952 करोड़ और पीएम किसान योजना के 8.94 करोड़ किसानों के खाते में 17,1891 करोड़ की राशि भेजी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियां कॉलेज एडमिशन में दिए जाने वाले मराठा आरक्षण पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने बुधवार को सरकारी नौकरियों और कॉलेज में दिए जाने वाले मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले बड़ी बेंच को भेज दिया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को 16% आरक्षण दिया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश के बाद इसे घटाकर 12% और 13% किया था। किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम किसान योजना जल्द आने वाली है। 2000 रुपए की अगली किस्त, फायदा लेने का अब भी मौका। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को सरकार सालाना 6000 रुपए की आर्थिक मदद देती है। योजना के तहत साल में 3 किस्त के जरिए पैसा ट्रांसफर किया जाता है। बीते महीने ही 2000 रुपए की छठी किस्त जारी की गई थी। इसी कड़ी में अब सरकार 7वीं किस्त जल्द ही जारी करने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हुआ 110 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी स्कीम में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री किसान योजना में 110 करोड़ रुपए के अधिक बड़े घोटाले का खुलासा किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हुए इस घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद कुछ ऐसे लोगों को भी पता चल गया जो योग्य न होते हुए भी इसका लाभ ले रहे थे। तमिलनाडु सरकार ने जो जांच कराई है उस जांच में ये बात सामने आई है कि धोखाधड़ी करके 110 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान ऑनलाइन निकाल लिया गया। खबर है पीएम आवास योजना से। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 2 लाख परिवारों को मिलेगा अपना घर। 12 सितंबर को पीएम मोदी कराएंगे गृह प्रवेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 12 सितंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले गृह प्रवेश कार्यक्रम उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि हर परिवार के पास अपना घर हो। इस दिशा में कार्य करते हुए प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख आवास निर्मित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन आवासों के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराएंगे। प्रधानमंत्री प्रदेश के हितगृहों से चर्चा भी करेंगे। इन परिवारों के लिए यह दिन आनंद और उत्साह का होगा। खबर है बिहार से। बिहार सरकार का रोजगार पर फोकस, 3645 पदों पर नियुक्ति को मिली मंजूरी। सरकार ने मंगलवार को 3645 पदों पर नियुक्ति के साथ ही कैबिनेट की बैठक में 60 प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न श्रेणियों के 2669 और विविध विभाग में अलग अलग श्रेणी के 976 पदों पर नियुक्ति का फैसला लिया गया है। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, नए मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक के 2669 पदों पर होगी नियुक्ति। बिहार सरकार ने नए मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक के 2669 पदों पर नियुक्ति करने का फैसला लिया है। मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई इस बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। इसके तहत बाबापुरी और बेतिया के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर और पारा मेडिकल कर्मियों की अलग अलग 539 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 1235 पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति के लिए पदों की मंजूरी दी गई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा के लिए 356 पदों की स्वीकृति दी गई है। सरकार ने भोजपुर में वीर कुंवर सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण के लिए 25 एकड़ से अधिक जमीन उपलब्ध करा दी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें।
साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।